देखिए, जब पहली सरकार बनी थी ना बीएसपी की, तो उस समय 15% के विरुद्ध के उसमें आह्वान पे बनी थी। काशीराम जी ने क्या 15% के विरुद्ध आवाज नहीं दी थी? 85-15 का नारा था ना। ऐसी कितने वोटर हैं सर देश उसमें, यूपी में बताइए सर आप? भारी संख्या में है। उनसे बन जाएगी क्या, सीएम भी नहीं बनेगी? हमें जरूरत नहीं है, आप बीसी को नहीं जोड़ पा रहे सर। तो ये हमारी गलती है ना, हमारी प्लानिंग का। देखिए, जो मौर्या जी अभी बैठे हैं मुख्यमंत्री, वो बीएसपी के। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो अभी वो हो गए मुस्लिम, इतने टॉप के नेता थे, वो बीएसपी के। बड़े बड़े कद्दावर लोग बीएसपी के। देखिए आप, एससी जो बहुजन है, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, इन चार को ले लो। हमें 15% नहीं चाहिए, आपने 15%। देखिए, जिस 15% के खिलाफ लड़ाई तो सर बीजेपी के साथ में है ना, बैकवर्ड दो। अरे होगा ना, जब आप छोड़ दोगे, जब आप पहले तो देखो फुल फ्लेज सरकार बनी ना, चार बार मुख्यमंत्री बनी है बहन जी, वहाँ पर हमारी सरकार समर्थन भी था कई बार। हाँ, तो समर्थन अलग चीज है, लेकिन वोट तो हम अपने वोट से आए थे ना। देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि बहन जी को अगर 10 सीटें मिल जाती हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में 2024 में, 10 तो सर अभी भी हैं। हाँ, तो 10 हैं, तो 10 ही मिल जाए ना, ये 10 ही मिल जाए लोकसभा की, और ये तीसरा मोर्चा उनको प्रधानमंत्री घोषित कर दे, तो ये दूसरे दल हैं, कांग्रेस है या ये आरजेडी है या दूसरी पार्टियां हैं, इनको और ज़्यादा शक्ति मिलेगी, बहुजन वोट करेंगे और इनको 300 सीटें ला करके बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकती है मिक्स मोर्चे में। हवाई पुल बांध रहे हैं सर आप भी? नहीं नहीं, मेरा विश्वास है, आप ये नहीं समझ, देखो आप गणित समझो, आप हम अपने बल पे नहीं आ रहे हैं। चुनाव में एक महीने पहले आते हैं सर आप? नहीं नहीं, चुनाव में नहीं, हम तो हमेशा से मैदान में रहते हैं, लेकिन बहन जी का अपनी टेक्निक है काम करने की। देश में घूम रही सर अभी, आप देखो ना, वो उनके भतीजे वो घूम रहे हैं, बहन जी के आकाश आनंद घूम रहे हैं, लीड ले रहे हैं, पहुंच रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर, अच्छे स्टेटमेंट आ रहे हैं। अभी 24 सितंबर को भी उन्होंने वो धिक्कार दिवस मनाया उस पर, पूना पैक्ट के उस पर, तो वो अभी लगे हैं एक्शन में, नौजवान आदमी है और वो कर देंगे उसको आगे पार्टी को। जब आपका कैडर नहीं बनेगा, नया कैडर नहीं आएगा, नई ऊर्जा नहीं आएगी, नए नए लोग नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने जब ब्राह्मण सम्मेलन किए थे सर बड़े पैमाने पर, तो ब्राह्मण तो हमारा दुश्मन है ना, ब्राह्मण तो वैचारिक शत्रु है। अभी जो तीसरा मोर्चा बनने की कवायद शुरू हो रही है, और जिसमें कि बहन जी को एक तरह से ये कांग्रेस खास तौर पे इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, वो ठीक बात नहीं है। अभी इन्होंने उनको लिया है, जो नीतीश कुमार जी को आकर के उनको मुख्य उसमें लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। बिना देखिए, हमारा चाहे दूसरे राज्यों में दखल ना हो पॉलिटिकल, हाँ बीएसपी यूपी में है लेकिन दूसरी जगह ना हो, कि हम इस स्थिति में ना हो कि हम वोट लेकर के सरकार बना पाए, मगर वोट तो हमारा है, उन पार्टियों को भी वोट तो हमारे लोग देते हैं। तो अभी एक प्रतीक है माया बहन मायावती जी, प्रतीक है अनुसूचित जाति जनजाति के, इस देश के 35 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है, कि आज तीसरे मोर्चे में हमें ये मौका मिलना चाहिए कि हम प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री, क्योंकि बड़ी पार्टी इस समय अनुसूचित जाति की एकमात्र पार्टी है और वो बहुजन समाज पार्टी, विधायक भी नहीं है यूपी में, सिर्फ एक विधायक बच रहा है बीएसपी का, कैसे बनेंगे पीएम बहन जी? देखिए, वो तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जब एक बार ये घोषणा करेंगी और तीसरा मोर्चा मिलकर के लड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 20-30 सीटें तो वहीं पे आ जाएंगी। अगर सब मिलकर के करेंगे तो हमें कितनी चाहिए, 272 सीटें चाहिए। कांग्रेस हैं, सारी चीज़ें, अगर ये प्रचार कर देते हैं कि बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना देते हैं तीसरे मोर्चे का, तो मैं लिख करके दे रहा हूँ, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की, अपने दूसरे पूरे देश में इनकी स्थिति सुधरेगी, या जहाँ पर ये क्षेत्रीय पार्टियाँ बहुजन इनको एक छत्र करके वोट करेंगे। वो सीएम तो बन नहीं पाए उत्तर प्रदेश के सर, कैसे पीएम बन जाएंगी? देखिए, ये तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, आपको पता 70 लाख पुल बांध रहे हो सर, हवा में पुल बांध रहे हो, पता 70 लाख वोट मिला है आपको, पता बीएसपी को वोट कितना मिला है उत्तर प्रदेश में? 70 लाख वोट है उनका, काउंटिंग में देखो उस पर जा करके, इलेक्शन कमीशन में देखिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत कुछ वोटों से होती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी दूसरे को वोट ही नहीं मिले, बहुजन समाज पार्टी को जबरदस्त वोट मिला है। वो तो उनकी थोड़े से कुछ स्टेटमेंट लास्ट टाइम पे आकर के बीजेपी वालों ने इस तरह का प्रचार कर दिया कि शायद बहन जी बीजेपी के साथ अंदर खाते मिल करके कुछ बी टीम है, इस तरह का प्रचार हुआ, भयंकर प्रचार हुआ। तो अगर वो प्रचार नहीं होता या बीएसपी के प्रवक्ता उस प्रचार के विरुद्ध अगर अपना प्रचार को कर देते, उसके विरुद्ध बोल देते, उसको कैंपेन को काउंटर कर लेते, तो शायद हो सकता है कि जो स्थिति है, अगर सरकार भी नहीं बनती तो कम से कम मेरे हिसाब से 30-40-50 तक विधायक आ सकते थे बीएसपी के। और ये मत समझिए राजनीति है, क्योंकि आज देश की स्थिति बहुत ख़राब है, आज देश के लोगों को किसी भी कहीं पर भी वो नहीं दिखाई दे रहा है, कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में लोगों की आस्था वापस
नहीं आ रही है दुनिया भर की। बीएसपी ना तो फील्ड में दिखाई देती है ना मीडिया में दिखाई देती है सर। देखिए उनका शुरू से ऐसा ही वो काम का तरीका रहा है। कभी आपने देखा कि कभी बहुजन समाज पार्टी ने कभी बड़े बड़े प्रदर्शन किए हों, बड़े वो एक रैली करते हैं बस चुनाव से पहले या साल में। जमाना बदल गया सर, वो जमाना गया, वो एक रैली कर दी और वोट आ जाते थे। देखिए सर, मैं देखिए थोड़ी सी बात है कि देखिए फिर मैं कहूँगा बार बार मेरा क्रिटिसिज्म रहता है, बहुजन समाज पार्टी इस देश के बहुजनों की पार्टी है, लेकिन जब उसमें पुष्य मित्र रूपी जब वो मिश्रा जी को आपने बिठा दिया है तो उन्होंने जो थोड़ा बहुत उसका वर्क कल्चर था कैडर, देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया हमारे मिश्रा जी ने, उन्होंने उसको जो कैडर डेवलपमेंट हमारा प्रोग्राम चलते थे बीएसपी के पहले उसको ख़त्म किया। देखिए अभी इनको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके पास कोई वोट नहीं है ना इनके पास पॉलिटिकल कार्यक्रम है दोनों के पास। चंद्रशेखर रावण, मैं बिल्कुल खुले मन से बोल रहा हूँ, चंद्रशेखर रावण और ये वामन मेसराम के पास कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इनके पास सुझाव नहीं है एससी एसटी के जो अधिकारों के लिए सरकार को देने के लिए। तो इस समय केवल बीएसपी को अपने बल पर लड़ना चाहिए, इनको घास डालने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल हवाई घूम रहे हैं, इनके पास कोई वोट नहीं है। अभी देखा ना इस वाले चुनाव में ये चंद्रशेखर रावण लड़ा, इसकी पार्टी जमानतें जब्त हो गई, पाँच सात सौ वोट नहीं पड़े इनको एक एक सीटों पर, जबकि घूमते हैं इतनी भीड़ लेकर के पूरे देश से कहीं इकट्ठे करके 5,000-10,000 आदमी इकट्ठे करके भाषण देने वो अलग बात होती है, लेकिन अपने इलाकों के वोटरों को प्रभावित करना वो दूसरी बात होती है। ध्यान रखो राजनीति में जो दिखता वो होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं है। तो इसलिए बीएसपी को इन दोनों से बामन मेसराम, और क्यों वो उसके नाम में ही बामन है, वो तो है ही बामन, तो बामन मेसराम और ये चंद्रशेखर, इनको भाई दोनों को बिल्कुल इनको घास नहीं डाले, इनका नाम भी मत लो, और बीएसपी को अपने बल पे लड़ना चाहिए। हम खुद बहन जी के समर्थन में जाएंगे क्योंकि हमारा पॉलिटिकल एक ही विकल्प है, और हम चाहते हैं कि अगर ये पंडित जी को मिश्रा जी को अगर बहन जी नमस्ते कर दें तो दोबारा से जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो एकता है दोबारा खड़ी हो जाए, जो कि इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है ये हमारे पुष्य कलयुगी पुष्य मित्र ने। सर देखो आप उनका उनका लेवल नहीं समझ रहे हो, बहन जी का जो ट्वीट करना या उनका एक स्टेटमेंट, ध्यान रखो देखो मैं बहुत वर्षों से मैं बहन जी को देख रहा हूँ, वो हमारे प्रतीक हैं, वो सिर्फ एक अगर आवाज़ भी कर देती है ना तो उसकी भी एक मैसेज जाता है पूरे देश में। हमारे पास सैकड़ों नेता नहीं है, एक ही नेता, एक ही प्रतीक है हमारे पास। जब बहन जी लोकसभा में थी ना, जब दलितों के विरुद्ध अगर कोई भी घटना होती थी एट्रोसिटी, और बहन जी खड़े होकर के जब वहाँ पर आवाज़ देती थी ना तो तमाम हमारे लोगों की सबकी दिल की धड़कनें रुकती थी। देखो हमारे प्रतीक थी, वो सिर्फ बैठी भी रहती थी वहाँ पर, तो उसका एक डर होता था इन मनुवादियों को, खतरा कि यहाँ बैठी है भाई, यहाँ पर एस सी एस टी की यहाँ प्रतिनिधि बैठी है। और बहन जी अभी मैं कल भी कह रहा था कि इनकी हिम्मत नहीं है कि उनके विरुद्ध जो इन्होंने झूठे केस लगा रखे हैं उनको अरेस्ट करने का, ये सपने में भी नहीं सोच सकते, अगर कर लिया तो पूरे देश उल्ट पुल्ट हो जाएगा, पूरे बहुजन उल्ट पुल्ट हो जाएंगे। तो हम तो चाहते हैं तुम्हारी हिम्मत है तो तुम इस तरह की कोई बयान भी दे के दिखाओ, नहीं कर सकते। देखो बहन जी इस समय एक तो उनकी एज बढ़ गई है, दूसरा ये कि उनका वो पूरे देश में उनको जान को भी खतरा है क्योंकि मनुवादी देखते ही उनको एकदम से उनको किसी भी तरीके से कोई घटना जैसे दूसरे हेलीकॉप्टर क्रैश या कोई एक्सीडेंट करवा दें, क्योंकि अपने लोगों में भी विभीषण बैठे हुए हैं। तो बहन जी वहीं से बैठ करके ट्वीट कर रही हैं, मैसेज दे रही हैं, काम करने के लिए हैं, बहुत लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और कर रहे हैं। देखो पूरे देश में अगर बहन जी सिर्फ एक बात है कि वो टीम खड़ी कर दें, जैसे आकाश आनंद अभी आ गए हैं, उनके युवा चेहरा आ गया, अगर ये मोर्चा ठीक से संभाल ले, और यूपी से इनको बाहर निकलना पड़ेगा, यूपी से बाहर आना पड़ेगा क्योंकि इनकी मनुवादियों की साजिश है कि ये पूरे देश से, जैसे बहुजन मूवमेंट काशीराम जी के समय पूरे देश में ऐसा हाहाकार मचा था, और मैं खुद इसका गवाह हूँ, जो एक नीचे बैठ करके एक आदमी वहाँ अपना काम कर रहा है, उसका पॉलिश भी कर रहा है, वो भी एक एक दो दो रुपये 50-50 पैसे जमा करके किसके कर रहे हो जी, हम अपने मूवमेंट के लिए कर रहे हैं। वो एक जबरदस्त अंदर जो एक आग थी लोगों के अंदर, और लगता था कि शायद इस देश में कांग्रेस को रिप्लेस करके उसकी जगह पर बीएसपी लेगी, तो लेकिन उसके बाद जो ये मनुवादियों ने चालबाजी की और अपने पुष्य मित्र को घुसा दिया, जो इनकी साजिश है, ये कुछ भी राजनीति के लिए आपके पैर पकड़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो आज एक ही बहन जी को एक ही काम करना है कि इस पुष्य मित्र को तुरंत नमस्ते करें और अपने लोगों को विश्वास दिलाएं कि जो काशीराम जी का मिशन था 85 का, ये वही मिशन है, और इस मिशन से हम 85% हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है इनकी भाई, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा वोट, हमें अब पूरे देश में बहन जी को हम प्रधानमंत्री बनाएं और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में बने, और छोटे मोटे जो दल हैं, जो पॉलिटिकल दल सामाजिक संगठन हमारे हैं, वो सब मर्ज होकर के एक महान मूवमेंट खड़ा हो, जिससे कि इस देश के बहुजनों की सरकार बने और बाबा साहब और काशीराम जी का सपना साकार हो।